मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही, प्लीज कोई बता। मैं टमाटर दे, दूध गर्म हो गया है, इसको मैं बाहर रख दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों भगवान करे आप सभी लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो दोस्तों आज यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे लग रहा कि बारिश होने वाली है। गाड़ी भी आ गई किसी, मतलब कोई आ रहा होगा ना घर, तो हवा भी बहुत चल रही है। और दोस्तों ना मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ कि इतनी सारी वीडियो बना बना के मेरे चैनल पे 554 वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। और पता नहीं ये YT मेरी वीडियो को कब वायरल करेगा। मेरी एक ही वीडियो वायरल हुई है ना, बाकी उसके बाद तो ऐसे मेरा हो गया है कि क्या बताऊं मैं। और कभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, कभी ये होता कि फिर डाल देती हूँ, ऐसा होता मुझे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ा सा किसी को भी पता हो कि मेरी वीडियो मैं मतलब कैसे वायरल हो, तो मुझे जरूर बताना। और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ, जैसे बैंगन भी काट रहे, आलू भी काट रहे, उसमें भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। और हम लोग इतना मेहनत, मतलब मैं तो सच में बहुत मेहनत करती हूँ, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। तो मतलब कि सच में मैं परेशान हो गई हूँ। तो दोस्तों यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, जरूर करना सब्सक्राइब, बेल घंटी ऑल क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए और कभी तो मेरी वीडियो वायरल। और दोस्तों आप लोग बोलेंगे ना मतलब कि टेक्निकल चैनल देखो, ये देखो, मैंने सारे चैनल देख के जैसे बोलते हैं वैसे करके देख दिया है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और मेरा वीडियो बनाते बनाते देखो कितनी जोर से बारिश आ गई है, और मैं आप लोगों को बाहर बारिश दिखाती हूँ, बाकी मैं जो हो रहा है जिंदगी के साथ वही मैं दिखाऊंगी। दोस्तों चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पहले बारिश दिखाती हूँ। ये देखो हो गई ना बारिश, ऐसे लग रहा है धूप भी हो रही होगी, लेकिन आप बारिश की देखो वैसे जोर से आ रही है बारिश। ये भी आ गया, यही पहुंच गया, ये भी यही आएगा। आप देखो आ गया, यहाँ बचने के लिए चला गया, भौंक रहा दूसरे पे, आ गया यहाँ पे, देखो दूसरा भी आ गया। यही पे आएंगे मेरी बालकनी में, लोगों ने तो बंद कर दी, मेरी बालकनी रह गई। तो अभी ना यहाँ पे ये मैं टमाटर दे, दूध गर्म हो गया है, इसको मैं बाहर रख दूंगी। और इसमें बन रखी है सब्जी, इसको थोड़ा गर्म करके इसमें मैं दाल का इसको गर्म करके मैं इस टोंगने में रख दूंगी। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े रखे रहते हैं कढ़ाई पकड़ने के लिए, मतलब गरम बर्तन जो भी हैं उनको पकड़ने के लिए, धो के मैं रख देती हूँ यहाँ पे, तो वो सूख भी जाते हैं। तो अभी गरम हो रखी है कढ़ाई, उसको पकड़ने के लिए मैंने कपड़ा निकाला, और इस कढ़ाई को मैं डोंगे में सब्जी पलट दूंगी, उसके बाद कढ़ाई धो दूंगी, फिर दाल फ्राई करनी है मुझे। और दाल उबाल दी थी तो मैंने चावल रखूंगी दोनों के लिए बहुत है ये, धो दूंगी। चावल का पानी भी काम आएगा। चावल का पानी भी ये काम आएगा।
का पानी बंद हो गया था, उसके बाद मैंने ये दोबारा फिर दो पानी से चावल को धो दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने चावल धो दिया था और इसके बाद मैं इसको रख दूंगी प्रेशर कुकर में। ये वीडियो मेरी संडे की है और संडे को मैंने जो आरओ वाली वीडियो और शाम की वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ, दिन वाली मैंने नहीं जोड़ी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और मैंने सुबह शाम की ही मैंने टाइटल वही सोचा था, तो मैंने सुबह दिन की और शाम की ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यहाँ पे मैं चावल रख दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूंगी ताकि चावल जो होते हैं ना अलग अलग हो जाते हैं और हस्बैंड जी को ऐसे ही पसंद है, तो तभी मैं एक चम्मच घी डाल दिया इसमें। लीड लगा के इसको मैं रख दूंगी और तब तक मैं दाल फ्राई की तैयारी करती हूँ। हरी मिर्च डाली और जीरा का तड़का मारा, हरी मिर्च डाली, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। हल्दी डाल दूंगी, रेसिपी नहीं घर से हल्दी डाल दूंगी। दोस्तों दाल चावल सब्जी सब चीज़ तैयार हो गया है और सलाद भी काट दिया मैंने। दाल यहाँ पे बन गई है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, कटा हुआ धनिया डाल दिया है, तो अब है खाने की तैयारी। ये संडे दिन की है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। बाय।